राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में दादाजी के पिछले कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति कराई गई है, जिसमें कबूतर, मोर, मगरमच्छ और बगुले के बारे में बताया गया है। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तुम सब जो ये कार्यक्रम सुन रहे हो, ध्यान से सुनते हो कि नहीं? तो भाई, पिछले 3 दिनों से तुम सब बातचीत कर रहे थे दादाजी से, और दादाजी ने तुम्हें बताया कबूतर के बारे में, मोर और मोरनी के बारे में, मगरमच्छ, बगुले और केकड़े के बारे में। क्यों, याद है ना? तो भाई, आज मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम सोचकर इन सवालों के जवाब देना। दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है कि दादाजी ने पशु और पक्षी में क्या अंतर होता है ये बताया था। क्या तुम ये बता सकते हो कि पशु और पक्षी में क्या अंतर होता है? तुम्हें वो छोटी सी कविता जरूर याद होगी, पक्षी उड़ते फर फर फर, पशु चलते हैं धरती पर। तो भाई, पक्षी तो आकाश में उड़ा करते हैं और पशु धरती पर रहते हैं। अच्छा, जरा ये तो बताओ, गाय पशु है या पक्षी? गाय पशु है या पक्षी? गाय उड़ती थोड़ी है। गाय पशु है। और भाई, कबूतर? कबूतर तो उड़ता है। तो इसीलिए ये पक्षी हुआ। दोस्तों, तुम्हें दादाजी ने कबूतर के बारे में बताया था, अब जरा तुम ये बताओ कि कबूतर बोलता कैसे है? क्या तुम बता सकते हो कबूतर कैसे बोलता है? सब बोल के बताओ। गुटर गू, गुटर गू। सब दोस्त बोलें गुटर गू, गुटर गू। कबूतर गुटर गू बोलता है। अच्छा दोस्तों, क्या तुम बता सकते हो कबूतर अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं? कबूतर अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं? कबूतर मकानों के छज्जों पर अपना घोंसला बनाते हैं। तुमने ये भी देखा होगा कि कबूतर पेड़ पर नहीं रहते और इन्हें सबसे ज्यादा डर बिल्ली से लगता है, इसीलिए ये काफी ऊपर मकानों के छज्जों पर अपना घोंसला बनाते हैं। दोस्तों, कई लोग कबूतर पालते भी हैं। कबूतर लोग पालते भी हैं, अपनी छत पर जालीदार दरबे में इन्हें रखा जाता है। सुबह सुबह इन्हें दाना खिलाया जाता है और फिर उड़ाया जाता है।
दोस्तों, कबूतर बहुत समझदार पक्षी है। जानते हो, पहले जमाने में चिट्ठियां कबूतरों से भिजवाई जाती थी। अच्छा, इतनी बातें तो मैंने बताई, अब जरा तुम ये बताओ कि कबूतर का रंग क्या होता है। कबूतर का रंग क्या होता है? जैसा कि दादाजी ने तुम्हें बताया था कि कबूतर ज्यादातर सलेटी रंग के होते हैं। सलेटी रंग के। लेकिन चितकबरे और सफेद रंग के भी होते हैं। एक बात और बताऊं मैं, ये कबूतर झुंड बनाकर उड़ते हैं। सब एक साथ उड़ते हैं। दोस्तों, याद है ना तुम्हें, दादाजी ने कहानी भी सुनाई थी जिसमें एक बार सभी कबूतर उड़ रहे थे और फिर उन्होंने नीचे दाने देखे। उन दानों को देखकर सब नीचे आ गए। नीचे जाल बिछा हुआ था और सब के सब कबूतर उस जाल में फंस गए। तब कबूतरों के सरदार को एक उपाय सूझा। उसने सभी कबूतरों को कहा कि भाई सब लोग एक साथ उड़ो। बस फिर क्या था, सभी कबूतर एक साथ जोर से उड़े और उनके साथ वो जाल भी उड़ गया। याद है ना दोस्तों ये कहानी। अच्छा दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक गाना सुनवा रहा हूं और तुम जरा ये बताओ कि ये गाना किस पर है। तो लो सुनो ये गाना। सुंदर रंग बिरंगा मोर, सुंदर रंग बिरंगा मोर, सतरंगा बहुरंगा मोर, सतरंगा बहुरंगा मोर, सुंदर रंग बिरंगा मोर, सुंदर रंग बिरंगा मोर, सतरंगा बहुरंगा मोर, सतरंगा बहुरंगा मोर, सुंदर रंग बिरंगा मोर, सुंदर रंग बिरंगा मोर। जब भी घटा गिरती घनघोर, जब भी घटा गिरती घनघोर, छाते बादल चारों ओर, छाते बादल चारों ओर, छम 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 खूब नाचता मोर, छम छम खूब नाचता मोर, सतरंगा बहुरंगा मोर, सतरंगा बहुरंगा मोर, सुंदर रंग बिरंगा मोर, सुंदर रंग बिरंगा मोर, सतरंगा बहुरंगा मोर, सतरंगा बहुरंगा मोर, सुंदर रंग बिरंगा मोर, सुंदर रंग बिरंगा मोर, सुंदर। सुंदर रंग बिरंगा मोर। दोस्तों, दादाजी ने तुम्हें मोर के बारे में भी बताया था। अच्छा भाई, तुम सब जरा ये बताओ कि मोर कैसे बोलता है। मोर कैसे बोलता है? अरे जरा सब जोर से बोलो ना। म्याऊ म्याऊ, है ना, ऐसी बोलता है ना। दोस्तों,
तुम्हें मालूम है ना कि मोर बहुत चौकन्ना होता है। जैसे ही जरा सी आवाज सुनी नहीं कि एकदम आवाज की तरफ देखने लगता है कि कहां से आवाज आई। अच्छा, अब जरा तुम ये बताओ कि मोर सुंदर होता है या मोरनी? मोर सुंदर होता है या मोरनी? बिल्कुल ठीक, मोर सुंदर होता है। अच्छा बताओ, उसके सिर पर क्या होता है? बताओ बताओ, मोर के सिर पर क्या होता है? भाई तुम सब ने मोर तो देखे है ना? मोर के सिर पर मुकुट जैसी एक कलगी होती है, बहुत सुंदर लगती है। मोर के लंबे लंबे पंख होते हैं और पंखों पर गोल गोल रंग बिरंगे निशान होते हैं। भाई इन पंखों को तुम सब इकट्ठे भी तो करते हो और घरों में सजाते हो। कई लोग इन पंखों से पंखे बनाते हैं, हवा करने वाले पंखे, देखा है ना दोस्तों? और तुम्हें ये भी मालूम है कि श्री कृष्ण भगवान अपने मुकुट पर मोर पंख लगाते हैं, तस्वीरों में देखा होगा तुमने। अब भाई जरा ये बताओ कि मोर खाता क्या है? मोर खाता क्या है? हाँ हाँ, कीड़े मकोड़े, सांप, मेंढक। और तुम एक और बात जानते हो, मोर ज्यादा दूर तक उड़ नहीं सकता। भाई दादाजी ने एक बड़ी मजेदार कविता भी सुनाई थी, शायद तुम्हें याद ना हो, मैं सुनाऊं? वन में मोर खुशी से नाचा, उसने पंख पसारे, नील गगन में छिटक पड़े हों जैसे अगणित तारे, काली काली उठी घटाएं, आसमान में बादल छाए, पियू पियू कर मोर पुकारे, छम छम नाच दिखाए, नाच नाच कर खूब मोर ने सबका मन बहलाया। और कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, सबका हो जय हिंद।